दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुचले की गोलियों के बारे में। कुचले की गोलियां बनाना मैं सिखाऊंगा आपको। कुचला क्या होता है? देखो, पुराने जमाने में जब बारातें जाया करती थी, हमने सुना है मम्मी पापा के मुंह से, मुंह जबानी उनकी सुना है, तो कुचले का जो फलियां होती हैं, कुचले का जो फल होता है उस पर ऐसे रोए टाइप निकलते हैं और उनको इस तरह से हवा में फूंक मार दिया तो वो उड़ते थे और शरीर पर जहाँ जहाँ चिपकते थे वहाँ वहाँ खुजलियाँ पैदा कर देते। इतनी खुजली, इतनी खुजली, इतनी खुजली, इतनी खुजली, आदमी मतलब मर तक जाता है इससे। इतना भयंकर वो घुसता ही अंदर ही चला घुसता चला जितना ही खुजला होगा उतना ही अंदर घुसेगा, जितना ही उसका उल्टा मुंह होता है वो अंदर ही घुसता चला जाता है। तो ये तो ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। पर मैं कुचला मैं दिखा देता हूँ, ये कुचला होता है, इसकी गोलियाँ बनाना सिखाऊंगा मैं। अब इसकी गोलियां किस किस काम आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आपकी जैसे कि आधा धड़ काम करना बंद कर गया, किसी का पैरालाइज हो गया है, किसी को हार्ट अटैक आता है, दिल का दौरा, या कहीं पे भी ब्लड जमा हुआ है, लिंग में ब्लड जमा हुआ है, लिंग में तनाव नहीं आता है, नामर्द बन चुके हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय है। सिर्फ 5 दिन यूज करना है। 5 दिन के बाद सिर्फ आपको 5 दिन में ही इससे जो रिजल्ट जो है बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। अभी मैं बताता हूँ आपको 5 दिन में। ये देखो, बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो आप 5 दिन यूज़ करो, पूरे 10-10 महीने यूज़ करो तब भी लाभ नहीं करते, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5 दिन में आपकी कैसी भी समस्या हो, आधा धड़ किसी का काम करना बंद हो गया हो, 2-2 गोलियां 5 दिन तक खवा देना, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है एक ही दिन में ठीक हो जाए, और आपकी नपुंसकता तो हो सकता है एक ही दिन में ठीक हो जाए। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में काम आती, चाहे आधा धड़ खत्म हो गया, पूरा धड़ खत्म हो गया है, पोलियो मार गया है, कुछ भी हो गया है, मतलब धड़ खत्म हो गया या लिंग संबंधी समस्या या नपुंसकता है, ये आपकी ठीक कर देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कुचला है कुचले की फलियां लेकर आनी है मार्केट से। मार्केट से आपको कुचले की फलियां मिल जाएंगी। अब इनको जमीन में गाड़ दो या आप किसी गमले में गाड़ दो मिट्टी में, और रोज इसको पानी दो लगातार 1 हफ्ते तक, 8 दिन तक, 7 या 8 दिन तक इसको पानी दो। 8 दिन के बाद लगातार रोज सवेरे सवेरे पानी दे देना, ठीक है, पूरा भर देना। उसके बाद इसको 8 दिन के बाद निकालो। निकालने के बाद इसका छिलका जो है, छिलका निकाल दो, और इसका जो जैसे इस तरह से जुड़ा हुआ होगा तो उसको ऐसे खोलोगे तो अंदर इसके एक अंकुर मिलेगा। अंकुर माने जो जमता है, जो जिससे पौधा निकलता है, उसको तोड़ के बाहर फेंक दो। वही सबसे कड़वा चीज़ होता है, वो आप मुंह में रख नहीं पाओगे, इतना भयंकर होता है। अब क्या करना है आपको, 7-8 कुचले की दाने लेना, जाना ज़्यादा मत लेना, बीज लेना कुचले के 7-8, उनको ही करना। उसके बाद जब वो निकाल दो, सब सूख गए, आप उसको कूट पीस के सुखा के पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद अब इसमें काली मिर्च मिक्स कर लो, जितना कुचला है उतनी ही, और खूब घोटो, खूब घोटो, खूब घोटो। घोटने के बाद अब इसमें कम से कम आप 2 दिन तक इसमें जो अदरक होती है, अदरक का रस निकालो, अदरक के रस में इसको डाल दो, 2 दिन तक पड़ा रहने दो। उसके बाद जब ये शुष्क हो जाए 2 दिन में, ना हो तो आप धूप में रख के इसको सुखा लेना, जब गोलियां बनाने लायक हो जाए तब इसको नीचे उतार के ले आना। फिर इसमें हल्का, फिर आप कुछ मत मिक्स करना, बस अदरक का रस मिक्स करके उसके बाद इसकी छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लो। गोलियां बनाने के बाद किसी डब्बे में भर के रख लो इनको। अब आप सुबह शाम खाली पेट 2-2 गोलियां या 1-1 गोलियां अपनी आवश्यकता अनुसार, बच्चा है तो 1 गोली, बड़ा है तो 2 गोली, उस अनुसार आप 2-2 गोलियां पता है किसमें खाओगे, बकरे की या बटेर की मीट के साथ, बकरा या बटेर की मीट के साथ, इनके साथ आपको खाना है। यही है इसका मेन उद्देश्य। ये देखो, और किसी के साथ नहीं खाना है, और किसी के साथ खाओगे यूज़ नहीं होगा। देखो, ये जो नुस्खा है ये चरक संहिता का है, मेरी तरफ का नहीं है। मैंने जो भी तरीका था वो उस तरह से बताया मैंने। आप ये मत कहना कि कुछ भी बताते हैं, मीट खाना बताते हैं, आयुर्वेद में ये है वो है। कुछ नुस्खे होते हैं जो उस हिसाब से खाए जाते हैं, उनका तरीका होता है। तो बस यही है, ये नुस्खा था। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, और चलता हूँ फिर मुलाकात अगली वीडियो में। तो धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार और घर वालों का। नमस्कार।